नमस्कार, मैं हूं बेबी कुमारी और अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। अगर इंसान में कुछ कर दिखाने का जज्बा हो तो इंसान के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। कुछ ऐसा ही करतब कर दिखाया है बिक्रमगंज प्रखंड के धावा निवासी संतोष पहलवान ने, जिन्होंने 3200 किलो वजन के दो ट्रैक्टर सीकड़ में बांध एक साथ खींचकर प्रखंड सहित पूरे जिले का नाम रोशन किया है। इस मौके पर जमोटी पंचायत के मुखिया हरिवंश राम ने संतोष पहलवान को शील्ड देकर उनकी प्रतिभा का सम्मान बढ़ाया है। साथ ही पूर्व मुखिया सुनील कुमार, पूर्व पैक्स अध्यक्ष सहित दर्जनों ग्रामीण लोग मौजूद थे। पहलवान संतोष सिंह ने बताया कि 1850 किलो का इंजन व 1400 किलो का ट्रेलर एक तरफ और दूसरी तरफ भी इतना ही वजन के एक ट्रैक्टर को सिकट से जोड़कर दोनों को अपनी ताकत से खींचा, फिर एक को बाजू से ठेलते हुए दूसरे को हाथों से खींचकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। 30-30 किलो का मुगदर भांजता पहलवान को देखने के लिए काफी भीड़ इकट्ठी थी। इस मौके पर पहलवान के भाई पूर्व पैक्स अध्यक्ष सत्यदेव सिंह ने बताया कि मेरे दादा पतिला सिंह भी नामी पहलवान थे। 32 वर्षीय यह पहलवान संतोष वैसे तो 9वीं तक ही शिक्षा ग्रहण कर सका है, पर इनके कारनामे कभी शिक्षा की मोहताज नहीं रही। अब तक अखाड़े में अपना दमखम दिखाने वाला यह पहलवान कई दंगल लड़ चुके हैं, जहाँ वे पुरस्कृत भी हुए हैं। लेकिन अब ट्रैक्टर पर अपनी ताकत दिखाने का नया जोश अब नई सुर्खी बटोर रहा है। रविवार को ग्रामीणों की भारी तादाद में जुटी भीड़ के समक्ष इन्होंने दो ट्रैक्टरों को ट्रैलर सहित धकेला, फिर सीकर के सहारे आपस में सटा भी दिया। बाद में दोनों गाड़ियों पर लड़कों को भी बिठाया और आगे पीछे किया। इनके इस कारनामे ने पहले धावा गांव ग्रामीणों के बीच हीरो बना दिया, जिनकी चर्चा सुनकर अब ये कई लोगों के बीच चर्चित होने लगे हैं। भाई सत्यदेव सिंह ने बताया कि भाई संतोष के लिए गाय भैंस के अलावे खाने पीने का पूरा इंतजाम हम हमेशा रखते हैं, ताकि भाई को किसी चीज की कभी कमी महसूस नहीं हो। संतोष पहलवान का प्रयास है कि वह अगले साल ट्रक को खींचे, फिर रेल इंजन को खींचे। 1-1 किलो वजनी यह पहलवान भारी भरकम मुगदर से जब अपने छाती, गर्दन एवं बाजू पर लगातार वार करवाता है तो लोग दांते तले उंगली दबा लेते हैं और तालियों की गड़गड़ाहट से वातावरण गूंज जाता है। रिपोर्ट राजेश कुमार सिंह, रोहतास। कितने दिनों से पहलवानी कर रहे हैं? 15-16 साल के थे, उसके बाद करने लगे। अभी दो ट्रैक्टर आपने खींचा जी, आगे क्या लक्ष्य? अभी आगे ट्रक खींचने का लक्ष्य है। अगला बार इंजन खींचे चाहे आपके लिए दो टेलर खींचे, अगला बार ट्रक। आपके घर में और कोई पहलवानी करते थे? दादा थे सब पहलवान। क्या उनके द्वारा भी इसी तरह के कर्तव्य दिखाए जाते थे कि वो पहलवानी करते थे? जी जी, वो पहलवानी खाली करते थे। पहलवानी के लिए परिवार से सपोर्ट मिलता है? बढ़िया, बहुत बहुत।